आगे बढ़ते हैं खबर आगर मालवा से, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बेहाल है। खेत में पेड़ पर लटकाकर बॉटल चढ़ाई जा रही है, मरीजों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। जिले में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हाल आगर मालवा में है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा। जिले के धनियाखेड़ी गांव का ये मामला है, और देखिए ये मरीज जो हैं, बताया जा रहा है कि झोलाछाप डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे हैं, अस्पताल ये नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक खेत में यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन झोलाछाप डॉक्टर के कारनामे आप देखिए, पेड़ पर ड्रिप चढ़ाई है और उसके बाद इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हाल इस वक्त मध्य प्रदेश के आगर मालवा में। शासन के निर्देशानुसार अपन निजी चिकित्सकों पर या जो झोलाछाप जो बिना डिग्री के बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल, और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं, जिनको सर्दी खांसी बुखार है सांस लेने में तकलीफ है ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें, और यहाँ पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर निगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं। राहुल जोशी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की बात की जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, और उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, और मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं, ड्रिप पेड़ पर लटकाकर चढ़ाई जा रही है इन मरीजों का। अगर ऐसे में कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? निश्चित ही जाए, पूरा मामला आगर मालवा जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर का पूरा मामला है जो राजस्थान से क्षेत्र जुड़ा हुआ है, और रही बात जिम्मेदारी की, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग की और जो प्रशासनिक अमला उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के इलाज किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर होते हैं वो लोग अपने अपने क्लिनिक खोल कर बैठे हैं और इस तरीके का इलाज लगातार कर रहे हैं, और क्षेत्र के ग्रामीणों को शासकीय हॉस्पिटल तक नहीं आने दिया जा रहा है। यानी जो ग्रामीण है बीमार रहते हैं तो वो हॉस्पिटल आ नहीं पाते और इसलिए उनकी जाँच नहीं हो पाती है। तो क्षेत्र बड़े स्तर पर इस तरीके की जो झोलाछाप डॉक्टरों का इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी उस लेवल पर कार्रवाई नहीं की जाती है। हाँ, जहां तक शिकायत जरूर ग्रामीण क्षेत्रों पर आती है तो प्रशासनिक अमला कार्रवाई भी करता है, जिस तरीके से कल सुसनेर में 2 क्लिनिकों को सील भी किया गया है प्रशासन द्वारा, और लगातार क्षेत्र से इस तरीके की खबरें आ रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर इस तरीके से खेतों में लेटाकर इलाज किया जा रहा है। ये जो पूरे वीडियो जो हमारे द्वारा भेजे गए हैं देखे जा रहे हैं, ये वीडियो सुसनेर ब्लॉक के पास के गांव के बताए जा रहे हैं, और वहाँ इसी तरीके से एक बगीचा है, बगीचे में लेटाकर लोगों को बोतलें लगाई जा रही है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और ये सब बड़ी मात्रा में लोग जो मरीज है उनको एडमिट किया, यानी लगभग 100 से 200, 250, 300 मरीज प्रतिदिन वहाँ इलाज करा रहे हैं। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में यह इलाज जो फर्जी डॉक्टर उनके द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है राहुल के जागरूकता की कमी भी इन ग्रामीणों में नजर आ रही है, इसीलिए ये जो ग्रामीण है वो झोलाछाप डॉक्टर्स के भरोसे अपना इलाज करवा रहे हैं, ना कि स्वास्थ्य केंद्र जाकर, ना कि अस्पताल जाकर। फिलहाल शुक्रिया आपका राहुल ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये जो तस्वीरें आगर मालवा की है, स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करती है, उन दावों पर सवाल खड़े करती है जिसमें कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, लेकिन सवाल ये कि जब झोलाछाप डॉक्टर इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्र में सक्रिय हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, और अगर कार्रवाई हो भी रही है तो कैसे इनके हौसले इतने बुलंद हैं, किस तरह से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।